लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट से हार का मुंह देखना पड़ा था। अपने गृह क्षेत्र से सीएम पुष्कर सिंह धामी की हार से निराश होकर स्वयं को हार के लिए जिम्मेदार मानते हुए खटीमा के 5 गांव के ग्रामीणों ने शनिवार 7 मई को शारदा नहर में सांकेतिक जल समाधि ली। इस दौरान SDM व CO द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। मौके पर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जल पुलिस भी मौजूद रही। आइए जानते हैं पूरा मामला। ग्रामीणों को उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव खाली करने के साथ ही हजारों एकड़ों तक फैली अपनी फसलों को हटाने के नोटिस जारी किए। अब सवाल उठता है कि उत्तराखंड राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी क्यों किया। दरअसल जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करते थे, उत्तराखंड राज्य अलग नहीं हुआ था, तब एक पावर हाउस को पानी देने के लिए शारदा नदी पर बांध बनाने के लिए एक नहर निकाली गई थी। उस समय वहाँ कुछ खाली जगह छोड़ दी गई थी। कुछ समय बाद उस खाली जगह में लोगों ने बसना शुरू कर दिया। अब सालों से उस खाली जगह में बसे लोगों को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। भविष्य में हम कहाँ रहेंगे, इसके बारे में चिंतित होते हुए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद की गुहार लगाई और साथ ही सांकेतिक जल समाधि लेते हुए मुख्यमंत्री को उनकी सीट से हराने का प्रायश्चित किया। ग्रामीणों ने निर्णय लिया था कि वह प्रायश्चित करने के लिए नहर में उतरेंगे और वहां 2-3 घंटे तक गहरे पानी में खड़े रहेंगे। गलों में माला पहनने के बाद हाथों में बैनर लेकर ग्रामीण पानी में उतर गए। पानी बहुत अधिक होने के कारण महिला किनारे पर ही खड़ी रही, जबकि पुरुष गली तक पानी तक शारदा नहर में उतरे। ग्रामीण 12 बजे तक नहर में खड़े रहे। 12 बजे SDM रविंद्र सिंह बिष्ट ने ग्रामीणों की फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करवाई। सबसे कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा वो मत करेंगे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हम तो इसी क्षेत्र में पले बड़े, तो हमारा गांव है और जहाँ तक मुझे बताया गया अभी कि सिपहिया है, बंदा है, बबुलिया है, खैरानी है, आस पास मेरा घाट के लोग हैं, खिलड़िया है, सब गांव के लोग यहाँ पर आए हैं। मैं सभी का आभारी हूँ और आप लोगों ने हमें हमेशा उनका आशीर्वाद दिया है और समर्थन दिया है। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने पहले से बहुत सारी चीजें बनाई हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे और ऐसा कुछ चुनाव है, चुनाव में होता है, ऐसा लोकतंत्र है और जो भी खटीमा क्षेत्र की जनता ने जो भी निर्णय किया है, जो भी उन्होंने जनादेश दिया है, वो सब मेरे सिर माथे पर है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जहाँ पूरा देश आगे बढ़ रहा है और हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा, और क्योंकि मैं मुख्य सेवक के रूप में हूँ, तो खटीमा इसके चुनाव में हारना या जीतना यहाँ के विकास को प्रभावित नहीं करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने वार्ता कर ग्रामीणों से कहा कि मैं इसी गांव में पला बड़ा हूं, यह मेरा गांव है, चुनाव में हार जीत होती ही है, मेरे हार जीत से खटीमा के विकास पर असर नहीं पड़ेगा, मुझे यहां की समस्याओं की जानकारी है, यहां पर जमीन संबंधित मामलों के साथ अन्य कई समस्या है जिसका समाधान निकाला जाएगा। मैं जानता हूं आप लोगों से इस क्षेत्र में बहुत सारी जमीनों की समस्या है, यहाँ बंदा में सागर की समस्या है और खैरानी हो या आसपास का क्षेत्र हो, यहाँ पर जल भराव की समस्या है। इतने सालों तक लगातार मैं विपक्ष में रहा हूँ, चाहे विपक्ष में रहा हूँ, मैं विधायक के रूप में जब मैं विपक्ष में भी रहता था, चाहे वहाँ किसी समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, उस सरकार से भी हम वहाँ बात करते थे और इस क्षेत्र की सारी समस्याओं का जो भी समाधान है या उसके पानी को कम करवाने के लिए भी लगातार मैं काम करता रहा हूँ। और चूंकि मेरा यही की रह रहा कि हमारे क्षेत्र की जनता को सब सुविधाएं मिले, अभी बहुत सारी जो चीजें इस क्षेत्र में होनी है, लगभग 300 करोड़ नए खटीमा क्षेत्र के लिए स्वीकृत है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जब वो विधायक थे उस समय यूपी में सपा की सरकार थी, लेकिन उनका प्रयास रहा कि यहाँ जल भराव की समस्या न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम खटीमा के विकास के लिए काम कर रहे हैं, खटीमा में 300 करोड़ की योजनाएं संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री धामी से वार्ता के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।